हाय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेंद्र गवई। मैं पॉलिटेक्निक का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको ऑटोमोबाइल ग्रोथ एंड पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ऑटोमोबाइल ग्रोथ मतलब क्या? तो ऑटोमोबाइल ग्रोथ की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप जानते हैं कि कोरोना का संकट चालू है। कोरोना के संकट में हर सेक्टर की कंपनियाँ बंद पड़ी हुई है और बहुत उसका डीम मार्केट हो गया है। तो इसके वास्ते ऑटोमोबाइल की ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अपने को विचार करना चाहिए। ऑटोमोबाइल का उपयोग की लागत जिसमें शामिल है लागत वाहन प्राप्त करना, मरम्मत, रिपेयर, रखरखाव, मेंटेनेंस, ईंधन, मुख्य डिप्रिशिएशन एंड ट्रेकिंग शुल्क, फ्री टायर्स बनाने करो और बीमा इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए उन्हें सभी को है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमोबाइल का उपयोग लागत है। देख सकते हैं कि इसमें भी एक लिखा है, भारत में ऑटोमोबाइल बाजार के साथ ही इंटरनेट मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। एक सर्वेक्षण में अनुसार प्रति माह 4.5 लाख लोग गूगल पर पुरानी कारों को खरीदने और बेचने के बाद सर्च करते हैं। आप जानते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोले तो क्या, तो वाहन प्रदूषण के उपाय कैसे कर सकते हैं। वाहन प्रदूषण भारत में एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। हम जानते हैं तो पेट्रोल और डीजल ईंधन के बजाय सीएनजी ईंधन का उपयोग किया है। तो सीएनजी इंजन का उपयोग किया तो इसके क्या होगा,